कमान बेटा ठीक से खाओ ना आप। नहीं दादी जी, मैंने ऑलरेडी दादू के साथ खा लिया है, मेरा पेट भर गया। अरे बहू, उन्होंने ठीक खाया है, इस उम्र में थोड़ा खाना ही अच्छा है। अच्छा तो आपको गाना सुनना है? हाँ। उसके लिए तो गिटार की जरूरत पड़ेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। तो अब गाना तैयार है। Yes, sir. चलो सबके सब मिलके, राइट? पापा? Yes. मम्मी? Yes. एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के पास ते मरना पड़े तो कुणाल है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम। क्या बात है, पापा भी सिंगर बन गए। कम से कम दूध तो पी सकती है ना? नहीं, नहीं। एक मिनट।
पर्स भूल गई, मैं लेके आती हूँ। ठीक है माँ, जल्दी आना, जाना है ना। अरे मम्मी जी कहाँ पर है? वो तो अंदर अपना बैग लेने गई थी लेकिन अब तक नहीं आई। लेकिन एक मिनट, गोली का असर इतनी जल्दी? तुम लेडी क्यों? हमारे साथ नहीं आ रही क्या? अरे मम्मी जी, अगर आपके पेट पे दर्द हो रहा है ना तो हम भी नहीं जाएंगे। तुम्हारे घर की पार्टी हो, तुम नहीं जाओगे? अरे आप मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। खाने का तो बिल्कुल टेंशन मत लो, जो दोपहर का खाना है ना वो खा लो, आप तीनों चले जाओ। तुम्हारे बिना कैसे जाएंगे है ना? दोबारा लेके जाएंगे, चलो माँ ख्याल रखना। राजेश, आज मेरी सहेली की बच्चे की बर्थडे पार्टी है, तुम्हें पता है हमारे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं वहाँ पर। पर तुम्हें तो पता ही है मम्मी जी मुझे वहाँ हर बात पे टोकेंगी। लेकिन वो सिर्फ तुम्हारी सहेली नहीं बल्कि मेरी भी दोस्त है, तो अगर मैं जाता हूँ तो मम्मी जी आने क्या पूरा ट्राई करेंगे, यू नो दैट। मैं उनको ना आज और एक टैबलेट दे देती हूँ, तुम चाहे जो कहो। सुनो, ये बार बार बात बात पे टैबलेट देना सही होगा क्या? मैंने कहा ना तुमसे, उस टैबलेट से सिर्फ थोड़ी देर के लिए पेट में दर्द होगा। I really don't know how to say about this, लेकिन ठीक है दे दो। लेकिन हाँ एक्चुअली तुम सही कह रही हो, देना ही सही होगा, बिकॉज नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। सच में मैंने उनको वो टैबलेट पहले ही दे दी है, मुझे पता था कि तुम कभी मना नहीं करोगे। अरे चलो 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 चलो, माँ कुणाल बता रहा था कि आपके पेट में दर्द है। हाँ पता नहीं क्यों। अरे आप मेरी उम्र भी हो गई है बेटा, मैं नहीं आ पाऊंगी, आप तीनों चले जाओ। माँ आपने दवा ली? हाँ बेटा ली। ठीक है अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ कुणाल चलो 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 बाहर खाने चलो। राजेश हाँ बोलो ना, आज हम मूवी जाएंगे। श्योर श्योर। मेरे बॉस ने भी दावत दी। तुम सब लोग तैयार हो ना? मेरे दोस्त ने कहा था कि टाइम पर आ जाना, इसलिए जल्दी निकलना पड़ेगा। नहीं बेटा, मैं नहीं आ पाऊंगी तुम्हारे साथ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। माँ तबीयत ठीक ही नहीं लग रही है? बस यूं ही बेटा, आप लोग जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी। और हाँ बहू, अपने लिए दूध में दवाई नहीं मिलाना, बिना दवाई मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आखिर माँ को इस दवाई के बारे में कैसे पता चला? मैंने बताया था कि आप उनका ये दवाई मिक्स करके देते हो। और ताजुब की बात तो ये है कि ये सब पता होने के बाद भी माँ वो दूध पीती रही। ओफो राजेश, ये टाइम इस बारे में सोचने का नहीं है, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। हम शादी में जाने के लिए लेट हो रहे हैं राजेश, कम ऑन लेट्स गो।
चलो कुना। सो गया इसको इधर ही निकाल दे। माँ गहरी नींद में सो गई क्या? हाँ मैं उन्हीं के कमरे से आ रही हूँ, वो सो रही है। हाँ मैंने भी उनको आवाज दी थी पर उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। क्या पता शायद सच में गहरी नींद में सो गई। तबीयत भी ठीक नहीं थी ना उनकी। सीमा, सीमा उठो, सीमा उठो, सीमा। ओफो क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? मैंने मम्मी और डैडी को देखा। तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो मम्मी के बारे में। इस बारे में हम कल बात करेंगे मम्मी से, ओके? पर मैंने अभी उन्हें देखा। सीमा। सीमा उठो, सीमा उठो, मम्मी के पास जाना है। राजेश, मम्मी उठो, मम्मी, मम्मी। मौका तो दिया था मम्मी। मम्मी जी।